मध्य प्रदेश के हरदा में पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट से 11 लोगों की मौत हो गई। इस मामले में फैक्ट्री मालिक राजेश अग्रवाल, सोमेश अग्रवाल और रफीक खान को रात करीब 9 बजे राजगढ़ जिले के सारंगपुर से पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इनके खिलाफ हरदा सिविल लाइन थाने में केस भी दर्ज किया गया है। बता दें कि फैक्ट्री से मलबा हटाने का काम रात भर चलता रहा। वहीं मलबा हटाने के लिए वाराणसी से नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स की 35 सदस्यों की टीम बुलाई गई। मंगलवार देर रात तक 204 घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। वहीं 51 गंभीर घायलों को भोपाल, इंदौर और नर्मदापुरम रेफर किया गया। कई अब भी लापता बताए जा रहे हैं। वहीं हालत का जायजा लेने आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव हरदा पहुंचेंगे। पूरे मामले को लेकर हरदा SDM का कहना है कि फैक्ट्री अनफिट थी। सबसे पहले रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया और अभी अभी हम लोगों ने सारंगपुर से जो घटना के जो आरोपी हैं सोमेश अग्रवाल और राजेश अग्रवाल को पुलिस कस्टडी में ले लिया। किन धाराओं में सर मामला दर्ज किया गया है? धारा 304, 308, 34 IPC और धारा 3 विस्फोटक अधिनियम 1908। और भी गिरफ्तारी, रफीक खान की भी गिरफ्तारी हुई सर? नहीं, गिरफ्तारी नहीं हुई, पूछताछ चल रही है।